Good morning friends, today we will learn how we can plot a point in the coordinate plane. तो यहाँ पे दोस्तों कुछ points आपको दिए गए हैं, point P जिसका coordinate 3, 2 है, point Q जिसका coordinate minus 2 and 5 and point R का coordinate है 4, minus 3 and point S का coordinate है minus 1, minus 4. इनको हमको कोऑर्डिनेट प्लेन में शो करना है. तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रॉ करेंगे. तो इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो इसको हम एक्स एक्स डैश मींस एक्स एक्सिस और इसे वाई वाई डैश बोलते हैं. ये होता है ओरिजिन. ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5. इसी तरह से ऊपर की तरफ भी 1, 2, 3, 4, 5. सेम इसी तरह से अब लेफ्ट साइड में जब हम जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह से. अब इसमें y एक्सिस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप आओगे तो -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से आप राइट कर लोगे. तो फ्रेंड्स हम लोग पॉइंट P की बात करें तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 3, 2, मींस x एक्सिस पे हम लोग 3 पॉइंट मूव करेंगे. तो यहाँ पे आप आइए, x एक्सिस पे 3 पॉइंट, ये पॉइंट मिला आपको. उसके बाद y एक्सिस पे 2 पॉइंट ऊपर की डायरेक्शन में 1, 2. अब इसको हम ऐसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएंगे. जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट P होगा. इसका कोऑर्डिनेट होगा 3, 2. इस तरह से पॉइंट P की पोजीशन आपको मिल गई. तो दोस्तों अब हम दूसरे पॉइंट Q की बात करेंगे. पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है -2, 5, मीन्स एक्स एक्सिस पे -2. तो एक्स एक्सिस पे हम आएंगे -2 की तरफ, ये रहा -2, एंड वाई एक्सिस पे 5, यानी 5 प्लस में है तो हम लोग वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड में ऐसे मूव करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा. इसको ऊपर की तरफ आप ले जाओ तो ये पॉइंट आपका मिल गया Q, पॉइंट Q. इसका कोऑर्डिनेट होगा -2, 5. अब थर्ड पॉइंट की बात करें, पॉइंट R, इसका कोऑर्डिनेट है 4, -3. अब हम लोग x एक्सिस पे 4 कहाँ पे हैं तो यहाँ से आएंगे, 4 यहाँ पे आया. इसके बाद y एक्सिस पे -3, तो -3, तो -1, -2, -3, इन ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे. तो इस तरह से ये पॉइंट R हो गया, इसका कोऑर्डिनेट होगा 4, -3. अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की. लास्ट पॉइंट S है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, -4. अब यहाँ पे -1 देखेंगे कहाँ पे है, ये रहा -1 और -4 y एक्सिस पे, तो नीचे की तरफ आप आओगे -4 आपका यहाँ पे आ रहा है. तो इस तरह से ये पॉइंट हुआ S जिसका कोऑर्डिनेट है -1, -4. तो दोस्तों इस तरह से कोई भी पॉइंट गिवेन हो आपको, उसका कोऑर्डिनेट गिवेन हो, मींस एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की वैल्यू दी गई हो, तो आप उसको कोऑर्डिनेट प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में आप उसको शो करते कर सकते हो. तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट मैक्सिमम. थैंक यू.